मध्य प्रदेश के सतना जिले से बेजुबान गोवंश से क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जिस किसी ने भी सुना वो सिहर उठा। बता दें कि आरोपियों ने एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा गायों को उफनती नदी में फेंक दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि घटनाक्रम में 20 से ज्यादा गोवंश की पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना का वीडियो बीते दो दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब आरोपियों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा केस दर्ज किया है। मामला नागोद थाना इलाके का बताया जा रहा है। थाना प्रभारी अशोक पांडे के मुताबिक मंगलवार की शाम को बहमोर के पास रेलवे पुल के नीचे कुछ लोगों ने गायों के बड़े झुंड को सतना नदी में फेंक दिया था। हैरानी की बात ये रही कि आरोपियों ने इसके वीडियो भी बनाए। इस पर संज्ञान लेते हुए एक पुलिस दल को मौके पर भेजा गया और फिर मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दर्जनों गोवंशों के साथ क्रूरता और बेरहमी से हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों की पहचान बेटा बागरी, रवि बागरी, रामपाल चौधरी और राजलू चौधरी के रूप में की है। इन पर मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं, सभी की तलाश की जा रही है।